लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और छठे चरण के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के 14, हरियाणा के 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की 7 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। छठे दौर में कुल 10.17 करोड़ मतदाता मतदान के योग्य है और साथ ही इस चरण में 979 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस चरण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री मेनका गांधी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोज तिवारी और कांग्रेस से शीला दीक्षित सहित कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने छठे चरण के लिए 1.13 लाख से अधिक मतदान केंद्र भी बना दिए हैं। लोकसभा चुनाव के इस चरण को बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 45 सीटें हासिल की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 8, कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी और एलजेपी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। आपको बता दें कि छठे चरण में कुल 979 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। अखिलेश यादव, मेनका गांधी सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है। लोकसभा चुनाव का छठा चरण आज सुबह से जारी है। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल आपको बता रहे हैं। 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सबसे ज्यादा 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की भी आज 7 सीटों पर मतदान होना है। कई दिग्गज भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, इनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का छठा चरण आज जारी है। 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा वोटिंग आज 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश की हो रही है और छठे चरण में कुल 10.17 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और कुल 979 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और उनमें अखिलेश यादव और मेनका गांधी भी शामिल है। आपको बता दें कि आज 7 राज्यों की 59 सीटों पर लगातार सुबह से वोटिंग जारी है। छठे चरण में कुल 10.17 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 979 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 14 सीटों पर, यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि आज छठे चरण का मतदान जारी है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता आशीष तिवाड़ी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी आशीष जी, बताएं कहां कितना प्रतिशत अभी तक मतदान दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, देश में 7 चरण में पूरा लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर चुनाव होने का शेड्यूल तय किया था निर्वाचन आयोग ने। इसी के तहत छठे चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। कुल 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा 1 बजे तक की अगर डेटा की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा 45% मतदान हुआ है, तो साथ ही मध्य प्रदेश में 37% मतदान हुआ है और बंगाल में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है, भाजपा कार्यकर्ता का शव मिला है, ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है। अगर परसेंटेज की बात करें तो बिहार की 8 सीटों पर 1 बजे तक 26% मतदान हुआ है, तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 34% मतदान हुआ है, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 37%, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 31% मतदान हुआ है, बंगाल की 8 सीटों पर 43% मतदान हुआ है, झारखंड की 4 सीटों पर 45% मतदान हुआ है और दिल्ली में सभी 7 सीटों पर 22%। ये एक सोचने वाली बात है, दिल्ली राजधानी में 22% मतदान हुआ है 1 बजे तक, सबसे कम मतदान प्रतिशत दिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो वही सबसे ज्यादा अगर बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा मतदान 45% लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर के। और दिल्ली और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं इस छठे चरण में जिनकी सभी सीटों पर आज मतदान संपन्न हो जाएगा, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, साथ ही साथ हरियाणा की 10 सीटें हैं लोकसभा की, उन 10 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, सभी सीटों पर आज मतदान संपन्न हो जाएगा। इस चरण में कई चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, दिग्विजय सिंह मैदान में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, अखिलेश यादव जो कि यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्रिकेटर गौतम गंभीर दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है। आज 6 बजे तक मतदान होगा, 6 बजे तक जनता अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर देगी और 23 मई को मतगणना होने के बाद परिणाम सामने आएगा। जी जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, लोकसभा चुनाव का छठा चरण आज जारी है लगातार और 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है।